दाखिल खारिज के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब नहीं होगी परेशानी। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। बता दें कि इन्हीं मामलों के कारण प्रदेश में अपराध से जुड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार अपराध से जुड़े मामलों को कम करने को लेकर काम कर रही है। बता दें कि बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। इस सर्वे को लेकर सरकार का यह मानना है कि इससे प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या में तो कमी आएगी, साथ ही साथ लोगों के जमीन का माप भी हो जाएगा। ऐसे में अब विभाग जमीन दाखिल खारिज करने को लेकर तेजी दिखा जा रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जमीन में आपत्ति और गैर आपत्ति वाले मामलों को अलग अलग निपटारा किया जाएगा। इस मामले को दूर करने को लेकर भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश के सभी अंचलों को निर्देश जारी कर दिया है। आइए अब जान लेते हैं यह पूरी प्रक्रिया काम कैसे करेगी। बिहार में अब दखल खारिज के नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि सबसे पहले अब आपत्ति और गैर आपत्ति वाले मामलों की अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन दिनों मामलों को एक साथ निपटारा करने पर दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्लो हो जाती थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का निपटारा करने के चक्कर में DCLR के साथ ही CO बिना जांच के ही ज्यादातर मामलों को रद्द कर देते हैं। इस कारण से लोगों को ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग ने आपत्ति और बिना आपत्ति वाले मामलों को अलग अलग निपटाने की बात कही है। बता दें कि दाखिल खारिज को और भी सरल बनाने के लिए इसे सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत लाते हुए इसे ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद भी लगभग 60% मामलों का निपटारा तय समय पर नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए आपत्ति और गैर आपत्ति वाले मामले को निपटारा किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दाखिल खारिज नहीं होने की शिकायतें मिलती रही हैं। बताया जा रहा है कि एक महीने में करीब 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसमें दाखिल खारिज का मामला सामने आता है। दाखिल खारिज नहीं होने पर वे ऑफिस का चक्कर लगाते हैं और इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर बिहार सरकार लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जमीन से जुड़े मामलों को कम किया जा सके, ताकि आम लोगों के बीच में जमीन से जुड़े जो मामले हैं उन्हें कम किया जा सके। बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े कार्यों को निष्पादन करने की बात कह रही है। ऐसे में अब देखना है कि सरकार का यह कितनी जल्दी पूर्ण होता है, जिससे कि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।